भक्तिविनोद ठाकुर ने शरणागति के बारे में जो शिक्षा दी है वो हर एक भक्त के लिए उसे ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। तो बहुत सारी कविताएं इसमें लिखी है, शरणागति का एक विशिष्ट उदाहरण देते हैं। मानस देह गेह जो किछु मोर, मानस देह गेह जो किछु मोरा
मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा नित्य दास प्रति तुआ अधिकार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार मानस देह गे जो किछु मोर जन्माओ भी मोए इच्छा जदि तोर जन्माओ भी मोए इच्छा जदि तो इच्छा जदि तो भक्त गृह जानी जन्म हो भक्त गृह जानी जन्म मानस देह गे जो किछु कीट जन्मे हो जथा तुआदा कीट जन्मे जाओ जथा तुआदा बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाहिया बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे मानस देह गे हो जो किछु मो भक्ति मुक्ति स्प्रिहां विहीन जे भक्त भक्ति मुक्ति स्प्रिहां विहीन जे भक्त भक्ति मुक्ति स्प्रिहां विहीन जे भक्त
भई ते काका संग अनुराता लभई ते ताको संग अनुराता मानस देह गेह जो किछु जनक जननी दैता सनाया जनक जननी दैता सनाया जनक प्रभु गुरु पति तुवा सर्व मानस देह गेह जो किछु भक्ति विनोद कहे सुनो भक्ति विनोद कहे सुनो राधानाथ तू हमारा परान राधानाथ तू हमारा परान मानस देह गेह जो कछु मो कर पीलो Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Translation is very important, and I'm going to give class on this song. Mind, body, and family. Whatever may be mine, I have surrendered at your lotus feet, O youthful son of Nanda. In good fortune or in bad, in life or death, all my difficulties have disappeared by choosing those feet of yours as my only shelter. Slay me or protect me as you wish, for you are the master of your eternal servant. If it's your will that I will be born again, then maybe it in the home of your devotee. May I be born again even as a worm, so long as I may remain your devotee.
I have no desire to be born as Brahma avers to you. I yearn for the company of that devotee who is completely devoid of all desires for worldly enjoyment or liberation. Father, mother, lover, son, lord, preceptor, and husband, you are everything to me. Thakur Bhaktivinoda says, O Kana, please hear me. O Lord of Radha, you are my life and soul. हिंदी में बोले ना समझ आई? ओह माय गॉड, रोटी फ्राई Sixty. Okay. ध्यान से सुनो, बातें नहीं. हे नंद किशोर, मैंने अपना मन, शरीर तथा घर, जो कुछ भी हैं, सब आपके श्री चरण कमलों में अर्पण कर दिया. अब मेरा दुख, सुख एवं जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों का वरण कर लिया है. हे प्रभु, अब तो इस दास पर आपका पूरा अधिकार है. आप चाहें तो अपने इस दास को मार डालिए या जीवित रखिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए. यदि आप मेरा इस जगत में पुनः जन्म ही कराएं, तो ऐसी कृपा करना कि मैं आपके भक्त के घर में मेरा जन्म हो. यदि मेरा जन्म किसी कीट योनि में हो, तो आपके भक्त के रूप में ही हो. तुमसे बहिर्मुख ब्रह्मा के जन्म की मुझे भी अभिलाषा नहीं है. प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि भुक्ति एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनुरक्त रहे. मेरे तो माता पिता, प्रिय पुत्र, प्रभु, गुरु तथा पति सब कुछ आप ही हैं. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे राधानाथ, आप मेरे प्राण स्वरूप हैं. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचरणन्नमनोदिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सादूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणादलिता श्रीविशाखां. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि श्रीहरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने. नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे भक्ति विनोद ठाकुर ने
सारी बड़ी किताब लिखी है, उसका नाम ही शरणागति है। और शरणागति के लगते हुए जो जो उन्होंने हमें संदेश दिया है वो सारे भजन इसमें हैं। शरणागति विषय भक्ति में होना ही चाहिए। वैसे भक्ति विनोद ठाकुर हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी द्वारा प्रस्थापित शरणागति के लिए छह अंगों की बात करते हैं। किसको याद है कौन कौन से छह अंग हैं जो शरणागति में आवश्यक है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम्। खोपड़ी में है कि नहीं भूल गई? पहले तो सब याद रखती थी। व्हाट एल्स? दैन्यम् रक्षति इति विश्वासो। और छठा क्या है? पोषण। पहला भगवान को अनुकूल सेवा, और जो प्रतिकूल है वो छोड़ देना है। वो कभी अपनी भक्ति में प्रतिकूलता लानी नहीं चाहिए। तो हमारा संकल्प अनुकूलस्य संकल्प, भगवान को जो अनुकूल है वो ही करना है। दूसरा प्रतिकूलस्य वर्जनम्। भगवत प्राप्ति में भगवान का सूचन नहीं, ऐसी प्रवृत्ति में जुटना बेकार। दैन्यम्, हम सब चीजों से खोखले हो गए तो अहंकार का कोई भाव नहीं होना चाहिए। अहंकार का भाव जब चला जाता है तब दैन्यता आती है। उसके बाद भगवान मेरी रक्षा करेंगे और भगवान मेरा पोषण भी करेंगे। तो हमें किसी पर आधार नहीं रखना, एक भगवान पर ही आधार रखना। तो इन चीजों को हमें भक्ति में ख्याल में रखना चाहिए। ये भजन में भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं। जब मैं शरणागत हो रहा हूं तो मेरे पास मेरा कहने का कुछ नहीं है। जब मेरा देह भी मेरा नहीं है तो देह के संबंधी मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं पहले पहले मैं करता था, अब सब आपके चरणों में मैंने दे दिया है। आप ही सर्वस्व हो। देखो शरणागति कितनी महत्व की भी है, क्योंकि भगवान को पाना है। कृष्ण भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो हमें चिंता करने की आवश्यकता क्या है? भक्ति में जुड़े तो चिंता से मुक्त होना चाहिए कि नहीं? बताओ, सबको चिंता है कि नहीं? थाईलैंड में चिंता है ना? एक तो आज चला गया इंडिया, क्योंकि चिंता है वापस आएगा। धृतात्मा, मैंने बोला तू सही है,
एक महीना यहाँ रहता है, एक महीना इंडिया रहता है, तो सेवा क्या कर रहा है? समर्पण कब करेगा भगवान? तो जो भी है, सब प्रकार की ममता की जो भावना है, मम इति ममता, और मुझे अलग से अपने सुख का भी विचार नहीं करना चाहिए, दुख का तो छोड़ ही दिया विचार करने का। जन्म यदि हो या न हो, भगवत धाम में जाए तो कोई आपत्ति ही नहीं, और वापस यदि हमें भगवान भेजना चाहते हैं तो अवश्य प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। भगवान हमारी भक्ति चालू रहनी चाहिए, तो जन्म हमें मंजूर है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें इस महत्व के मुद्दे पर जो स्थिर है, इन लोगों का संग करना चाहिए। जब भगवान के लिए सब कुछ समर्पण करना चाहते हैं, मुझे था आती नहीं, और तू समझ रहा है मुझे, मजा नहीं आती ना, अंग्रेजी जानता है तो फटाफट बोलो तो वो भी ऊपर से चला जाएगा। ध्यान से सुनो, न समझे फिर भी भगवान के वाक्य होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। मुकम करोति वाचा पंगुम लंगयते गिरिं यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारणम परमानंदम माधवम श्री कृष्ण चैतन्य देवम। तो इसी तरह हम भगवान का आश्रय लेते हैं, ये भगवान का आश्रय स्थान है, तो भगवान की इच्छा के अनुसार जीना ही एकमात्र हमारा कर्तव्य रहता है। तो भगवान के लिए शेष जीवन हम समर्पित कर सकें, ऐसा होना चाहिए। जब आवश्यकता आती है तब जबरदस्ती से भगवान की शरणागति लेने से क्या फायदा? भगवान तो जबरदस्ती नहीं करते, हम अपने संयोग के वशात जबरदस्ती में फंस जाते हैं और कहते हैं भगवान देखो तुमने हम पर जबरदस्ती की, हमें तो ये प्लान था वो प्लान था, आपने हमारा सारा पानी फेर दिया। गुना भी भगवान का निकालते हैं, नहीं, शरणागति में तो सर्वस्व भगवान का होता है। यदि आप मेरा इस जगत में पुनर्जन्म कराएं तो ऐसी कृपा करना कि आपके घर भक्त के घर में मेरा जन्म हो। यदि मेरा जन्म कोई कीट योनि में, कीट योनि में किस मनुष्य का जन्म होता है? अरे कीट जैसा काम करता है तो होगा, मरते समय यदि कीड़ा को याद आई, क्योंकि कई बार हम लोग कीड़े को मारते हैं, मच्छर को मारते हैं, तो मरते समय मच्छर को मारने की याद आ गई तो मच्छर बनोगे, दास कैसे हो सकता है? वो कहानी पता है, ये फूल की माला होते हैं ना, फूल में तो कीड़े होते हैं ना, तो भगवान पर या भगवान के शरीर पर जब फूल चढ़ाते हैं तो कीड़े भी चढ़ाते हैं, तो वो कितने बड़ी महत्व की बात हो गई। एक कीट भी देखो भगवान तो को तो काट नहीं सकता, लेकिन वो ऊपर चल के मसाज तो कर सकता है। तो यदि मेरे जन्म यदि कीड़े के योनि में हुआ तो आपका दास यानी कि मेरी सेवा आपकी बनी रहेगी, मैं आपको काटूंगा नहीं लेकिन मसाज कर सकता हूँ। एक छोटा सा जीव और सबसे बड़ा बड़ा जीव कौन है?
ब्रह्मा, थाईलैंड में तो ब्रह्मा की ही पूजा करते हैं, पर यदि ब्रह्मा भगवान का दास नहीं है तो मुझे ब्रह्मा का जन्म भी नहीं चाहिए। एक कीट का सम, हाँ, कहाँ कीट कहाँ ब्रह्मा, हाँ, लेकिन अपने ब्रह्मा तो भगवान का दास है, इसलिए हम ब्रह्म मध्व संप्रदाय में उन्होंने सिखाया है कि कैसे हमें शरणागति लेनी है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने जमाने में हम लोग को ये उपदेश दे रहे हैं। प्रभो आप ऐसी कृपा कीजिए कि भक्ति एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त रहे। भक्ति बढ़ाना है तो भक्तों का ही संग करना चाहिए, लेकिन कौन भक्त का संग करना चाहिए जो भक्ति और मुक्ति से दूर है। ऐसा उसका चरित्र है, उसका संग में अनुरक्ति हो वो ब्याज भी है। हाँ, बहुत सारे भक्त बहुत सारे मंसूबे करते हैं कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, इसको हटाकर ये करूंगा, ये पद ले लूंगा, ये करूंगा, इनका संग से हमें क्या फायदा होगा, भगवान से भी दूर चले जाएंगे। जो भक्त पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन कौन होता है, आपको हटाकर वो आगे जाना चाहता है, इनका संग क्या फायदा करेगा, कुछ नहीं। जो हमारी भक्ति बढ़ाए ऐसा उदाहरण बने, ऐसी समझ हमने दे तो उनका संग करने की आवश्यकता है। ये भगवान के शरणागति में बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मैंने दीक्षा ली अब मेरा बेड़ा पार, बेड़ा डूब जाएगा, या कि प्रगति नहीं करो, तरना जानो, यू नो यू शुड नो हाउ टू स्विम द क्रॉस करंट्स। वैसे भी हमेशा भौतिकता छोड़ने के बाद भी विरजा नदी को तरना होता है, और विरजा नदी उल्टी दिशा में जा रही है और आपको कहे कि चलो जहां से करंट आता है उल्टी दिशा में तरो, तर पाओगे नहीं, कठिन है। तो सारी भौतिक दुनिया से बाहर निकलने के लिए हमारे पास ऐसा साधन होना चाहिए, तो वो साधन कौन सा बताया है कलयुग में, हरि नाम हरिनाम एव केवलम कलौ नस्तेव नस्तेव नस्तेव। सब पोपट की तरह बोलते हैं, तोता जानते हैं ना, तोता पोपट कहते हैं, तोता भी बोलता है पर खोपड़ी में से नहीं बोलता, किसी का अनुकरण करता है। तो भगवान की शरणागति के लिए इतना आवश्यक, और शरणागति जो शरणागत है वही सिखा सकता, जो शरणागत नहीं है उनके पास कोई उत्तेजन भी नहीं मिलेगा, नो एंथुजियाज्म। बाद में क्या कहते हैं, मेरे तो माता पिता प्रिय पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ आप हैं, ये तो सारे संबंध हैं। क्या भगवान एक साथ में पिता भी बन सकते हैं माता भी बन सकते हैं,
भगवान पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, क्यों कैसे? जब पिता होते ही बेटा भी बन सकता है और भगवान से सब कुछ पैदा हुआ है, वो तो माता के समान है, माता पैदा करती है ना, तो भगवान ने पैदा किया, जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो भक्त भगवान के साथ ये सारे संबंधों से जुड़ा रहना चाहता, जो भी अनुकूल है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे राधानाथ, अरे राधा रानी के पति के रूप में आ गए हैं। हाँ, और कहते कि मेरे भी पति आप हो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आप मेरे पति हो। अभी कहते कि राधानाथ, अरे राधा के पति हो। तो दोनों में अंतर है, कौन कहेगा? भक्ति विनोद ठाकुर राधानाथ करके बुलाते हैं भगवान को कि हे राधानाथ, आप मेरे भी पति हो, कैसे साबित करोगे? पति कौन हो सकता है और पत्नी कौन हो सकती है? एक पुरुष है, दूसरी शक्ति है। यहां पुरुष बैठे हैं तो ये पुरुष हैं कि भगवान की शक्ति है? तो आप भी औरत हो। सभी शक्ति है। और राधा रानी की, इसलिए हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। वो माता जी भी मंत्र बोल सकती है और सो कॉल्ड पिताजी भी बोल सकते हैं। सबके लिए भगवान ही असली पति होते हैं। तो पति यानी हस्बैंड, उसकी फर्ज क्या है? सीधा ट्रांसलेशन करो, हस्बैंड मीन्स व्हाट? हस्बैंड मीन्स व्हाट? प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर। आजकल तो लड़कियां भी पढ़ी लिखी होती है, वो ज्यादा प्रोवाइडर होती है। बट प्रोटेक्ट कौन करेगा? प्रोटेक्शन, शक्ति को हमेशा शक्तिमान ही प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये सीधा साधा समझदारी का प्रश्न है कि भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें ऐसा संग चाहिए जो उदाहरण रूप से हमें निष्कपट भाव से भगवान की शरणागति लेना सिखा है। ऐसा संग करने से हमारी भक्ति में वृद्धि हो सकती है, नहीं तो जैसे थे वैसे ठप कर पड़े रहेंगे। हम ज्यादा विकास नहीं कर पाते। इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चैलेंज दी हैं, ये करो ये करो। ऐसे नहीं कि वीकेंड में आओ, प्रसाद पाओ और चले जाओ, भूल जाओ। नहीं, जिम्मेदारी, साहस खेलो। कहते हैं कि यदि
जो भक्त भगवान की प्रीति के लिए साहस खेड़ता है, भगवान की नजर उस पर रहती है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान की निष्ठा बनी रही, भगवान का प्रोटेक्शन में हमेशा जीते थे, तो शून्य में से सृजन कर दिया ना। यदि प्रभुपाद न होते तो थाईलैंड में मंदिर भी नहीं होता, है ना। वो भजन याद है, यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो जीवन वहन कैसे कैसे वहन कर पाएंगे हम। तो ये अंतर सोच में जिन्होंने भगवान की प्रीति के लिए, प्रभुपाद जी की प्रीति के लिए साहस खेड़ा, वही भक्त की कैटेगरी में आकर दूसरों को उत्तेजन दे सकता है। जो स्वयं उत्तेजित नहीं है, दूसरे प्रकार के बहुत सारे प्लान बनाकर बैठा हो, तो वो कितना सफल हो सकता है। तो अपनी सफलता का आधार भगवान की शरणागति पर है। शरणागति एक बहुत साहसिक प्रोग्राम होता है, जिसके हृदय में साहस नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, रिस्क लेने की कोई आदत नहीं है, तो वो उसका संग करने से फायदा क्या। हम वो हमारी भक्ति को आगे नहीं बढ़ा सकता। बहुत सारे भक्त लोग प्रश्न करते, महाराज हम तो इतने सालों से दीक्षित हैं लेकिन हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ती, क्या ना। हाथ ऊंचा करो, कितने हैं देखो, सभी हैं, नहीं तो साहसिक कितने हैं हाथ ऊंचा करो। साहसिक हैं नहीं हाथ क्यों ऊंचा कर रही। भगवान की प्रीति के लिए, प्रभुपाद जी की प्रीति के लिए, अपने ऊपरी अधिकारियों की प्रीति के लिए साहस करना एक बहुत बड़ा विषय है। तो जो व्यापारी होता है ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, कैलकुलेटेड मैं इतना ही दूंगा, इमरजेंसी में थोड़ा रखना पड़ेगा, मैं वो सोचता है। देने वाले भगवान हैं, कर्म की शक्ति भगवान से आती है। तब भगवान पर विश्वास न होकर वो अपनी कामयाबी पर विश्वास करता है। तो सब स्थिति में साहस करना एक बहुत बड़ी बात है, और भगवान के लिए साहस करना तो बहुत उत्तम बात है ना? हम सोचते हैं कि जब मंदिर बनाने जा रहे हैं अकेले तो कोई कर नहीं पाएगा, हम तो ठन ठन गोपाल हैं, फिर भी साहस करने में जाता क्या है, है ना। तो देखो साहस करने का मौका आप सबको हम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है? बहुत काफी कोई मर गया ऐसी शांति से क्यों है? मेरा एक प्रश्न है।
बस कंडीशन देगी, नो कंडीशन अलाउड, ओके। जैसे कि अभी आपने बताया कि भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, और ऐसे लोगों में आश्रय रहते हैं जो भक्त है ही नहीं, जैसे कि पद के लिए बहुत कोशिश करता हो और फिर दूसरों पे शोषण करना चाहते हो, है ना, ऐसे लोगों के अंदर में रहते हैं जो कि भक्ति शास्त्र कर चुके हैं, कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। नवधा भक्ति के क्रमानुसार हमें विकास करना होता है, पद्धति दी है, ऐसे नहीं कि आप अपने आप करते रहो। प्रभुपाद जी ने ऐसे संस्था नहीं बनाई सब, लेकिन हमें ढूंढने की आवश्यकता होती है, कोई सामने से नहीं आएगा। भक्ति में आगे बढ़ना है तो देखना कि किसके साथ संग करूं, कौन मेरा विश्वास को आगे बढ़ाएगा। इतने सारे भक्त लोग हैं, कोई तो होगा, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं, दुनिया में भी बहुत पड़े हैं। क्या देखना है? उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात असंग त्यागो सतो वृत्ति षड्विर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति की प्रसिद्धि, फ्रक्टिफिकेशन जिसे हम सक्सेस कहते हैं, ये छह चीजों पर निर्भर है। उत्साह बिना की भक्ति में कोई ठिकाना नहीं होता। भक्ति में निश्चय करना पड़ता है कि 16 माला का जप करूंगा, तो निश्चयात्मक भाव से हमें वचन देना पड़ता है, वो निश्चय बताता है 4 नियमों का पालन करूंगा। परेशानी आएगी तो धैर्य रखना भाई, सामान्य समाज से तो विरुद्ध काम कर रहे हैं। बाहर कोई भक्ति करता है क्या? आप लोग भक्ति करते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए, जो लोग भक्ति में जानते नहीं है इनके पास आपको ऐसे एसोसिएशन यानी कि इसका संग करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए तो यहां इकट्ठे होते हैं। उत्साह नहीं मिलेगा तो लेकिन प्रसाद तो मिलेगा। अल्लाह टाइम हो गया क्या? नहीं, तो कितना बाकी है? 5 मिनट? नहीं, 10 मिनट। पता नहीं कौन सी घड़ी से काम करता है, एक घड़ी 5 मिनट आगे रखता है और उसके 10 मिनट बाकी है। और तो शरणागति में सेवा का महत्व बहुत है। ये सेवा भगवान को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए, उत्साह वाली होनी चाहिए ना? रोते रोते सेवा करने से क्या फायदा? हमसे होता नहीं है फिर भी जबरदस्ती से सेवा कराते हैं। तुमने कभी बर्तन साफ किए हैं घर में? मंदिर में किए हैं? मंदिर में भी किया है। शाबाश। नहीं तो बर्तन साफ करने के तो गल्ला तल्ला करेंगे। हैं मैं बीमार हूँ आज, मना कर देंगे। हाँ और प्रश्न तो सारी दुनिया का प्रश्न तेरे पास ही आ।
समझ लाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी की पुस्तक है समझ लाने के लिए दी है, यदि पढ़ते ही नहीं तो क्या करेंगे, बेवकूफ ही रहेंगे ना। जो प्रभुपाद जी की किताब में मैं क्या लिखा है वही पता नहीं तो इनका संग करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे लोग से पूछने से भी हमें डरना चाहिए जिसको पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता, तो ऐसे लोगों के साथ संग करने से क्या फायदा होगा। कई बार इस तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं और अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो क्या हुआ, रिश्तेदारी से थोड़ा भगवान के साथ संबंध होता है। उनको मदद करना चाहते हैं। भगवान का जीव आप हैं, सीधा संबंध भगवान के साथ होता है, किसी के माध्यम से नहीं होता। You are directly connected with Krishna because you are part and parcel of Krishna and nobody else. Others are medium to convey the part and parcel, but they can't claim that you belong to them. You belong to Krishna. अरे मामा रोने की क्या फायदा, हिम्मत रखो, उत्साह रखो, उसी तरह आगे बढ़ो। हम किसी के लिए थोड़ा बोझा रूप जीते हैं। यदि घर में सेवा करने के लिए कहा तो कर देंगे, सेवा तो है, जितनी हो सके इतनी करो। जबरदस्ती से गुलामगिरी थोड़ा कराएगा कोई, वो तो पुलिस में जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है शरणागति हर एक भक्त के लिए आगे लालटेन की तरह रखना चाहिए कि हमारा विकास कितना हो रहा है, हम भगवान को कितने परसेंट में शरणागत है। पहले से ही यदि शरणागति के भाव से हम कृष्ण भावना में आते हैं तो विकास बहुत फास्ट होता है। और कोई प्रश्न? भाई आप लोग क्यों चुप हैं, मुंह पर ताला लगाया क्या? हाँ बोलो। भगवान शक्तिमान है, हम सब शक्ति है, तो शक्तिमान प्रोटेक्ट करता है शक्ति को, तो जो भगवान उसके आश्रय लेते हैं उसी को प्रोटेक्ट करते हैं या सबको प्रोटेक्ट करते हैं? अरे सबके इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन यदि नहीं चाहता तो जबरदस्ती से क्यों करेंगे? भगवान पर कोई जबरदस्ती ला सकता है? वो जबरदस्ती करते हैं पर भी ये नहीं कहते हैं कि मैं जबरदस्ती से कर रहा हूँ, तेरी इच्छा में यथेच्छ से तथा कुरु, तेरी इच्छा में आएगा। लेकिन जो आदमी समझदार ही नहीं गधा है तो उसे फायदा क्या है, उसे तो बोलने का या पूछने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान सबके पिता है। पिता की फर्ज है बेटे की या बेटी की रक्षा करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि छोटा बच्चा यदि पिता की उंगली लेकर चलता है, कोई उसके साथ मजाक करने में उसको धमकाता ही करता है तो कहते हैं पापा। कहता है उसे डर नहीं है, जानता है कि पिता की जिम्मेदारी है, वो रक्षा करेंगे।
इसी तरह एक छोटे बच्चे को भी इतना तो मालूम है कि मेरे रक्षक कौन है। सभी बच्चे अपने पापा की उंगली लेकर चले ना, बड़े होकर भी चलना, क्योंकि पापा बूढ़े हो जाएंगे तो फिर भी इनकी उंगली पकड़नी पड़ेगी। कम से कम वो संस्कार का तो प्रोटेक्शन करेंगे। बच्चों में यदि संस्कार पड़े हैं तो यदि पूरे पिता की उंगली पकड़कर भी यदि चलते हैं तो ये संस्कार प्रोटेक्शन करेगा। पापा द्वारा ही दिए गए हैं। ऑलराइट, और लास्ट क्वेश्चन, आगे पीछे लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच LLB तो प्रश्न लेकर आया पीछे हम कितने से भक्ति को स्टार्ट करना चाहिए है? कितने उम्र से? बचपन से में तो छोटे से करना चाहिए। भक्ति तो बचपन से ही बच्चों को लाते हैं, भक्ति चालू करवाते हैं और बाद में कहते हैं मैं फंस गया। आपके बचपन से ही लाते हैं, जन्म के बाद 15-15 नहीं 15 महीने तक बाहर नहीं निकालते, लेकिन पहला दर्शन भगवान को कर रहा है। ये भक्ति के लिए, क्योंकि माँ समझ रही है कि ये भगवान का अंश है, भगवान द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, तो भगवान की प्रीति के लिए हम इनको शिक्षा देंगे, इनकी संभाल करेंगे कि ये भक्त बने। तो भक्ति की शुरुआत तो हो ही गई ना जन्म से। लोग बोलते हैं ना बुड्ढा होके करना है, क्या करना? कौन कहते हैं बुड्ढा तो करते ही नहीं। बुड्ढे लोगों के में खोपड़ी होती ही नहीं, चली गई। हमारा एक मित्र है, वो सर्जन था बंबई में। वो एक सचमुच उसने एक अपने अपने सर्जरी में ही उसने पहचाना, एक सिंधी माँ आई थी और काफ़ी बीमार थी। जब मरने वाली थी तो उसने कहा तो हरिनाम कर, तो हरिनाम कर। तो क्यों? उसकी खोपड़ी में जाता ही नहीं था, दिमाग में कुछ बचा ही नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए भी उसको समझदारी नहीं है। तो मरते समय कौन करेगा? तो ऐसे कितने लोग मरते हैं, इनका उद्धार कैसे हो सकता है? वो तो कर्म की जंजाल में पड़ने वाले हैं। हम भक्त लोग भक्ति सिखाकर कर्म की जंजाल से छुड़वाते हैं। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। मरते समय भगवान की याद आएगी, वो गलत फहमी में मत रहना। हाँ, भक्ति कितनी करी है वही भगवान को याद रहता है। मरते समय यदि भक्त नहीं बोल सकता है भगवान का नाम, लेकिन भगवान को तो याद रहता है हमेशा। लेकिन जब जीवित है तब तो अपराध बहुत करेगा, भक्त समाज में है और उसके खोपड़ी में घुसती नहीं है, तो भक्त भी अपराध करता है। तो क्या करेगा, यमराज देख लेंगे उसे, तो फिक्र क्यों करे? यमराज देख लेंगे, तो फिक्र मत कर।
यमराज बड़े भगत हैं अपने से, 12 महाजन्म इनका नाम है। हाँ अपराध मुख में राम बगल में छुरी मुख में मुर्गी और दिखावा माला में, वो माला नहीं कर पाता। एक ही व्यक्ति जो मांस खाने वाला है वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। हम श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है कि कह उत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विरज्य बिना पशुघ्न। बिना पशुघ्न, पशुघ्न यानी कि मांस खाना जो जिंदा होगा वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। दिखावा बहुत करता होगा पर लेकिन नहीं ले पाता। जहाँ जीव का प्रश्न है, जो भगवान का अंश है, तो जीव हत्या करके वो कैसे भगवान का नाम ले सकता है? हम लोग जो कुछ खाते हैं क्या हम पचा सकते हैं? हमारे में कोई ताकत नहीं होती, कौन पचाने वाला है? हैं? कौन? नाम क्या है इनका? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापान समायुक्तं पचान्यं चतुर्विधं। मैं वैश्वानर रूपी अग्नि जो देवता है वो बनकर तुम्हारे चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हम खाते हैं, पचाने वाले कोई और है। देवताओं 33 कोटि के हैं और हर एक के जी शरीर में वो संचालन करते हैं। आँखों के तेज अश्विनी कुमार दो नाथुन में है। सारे देवता फंक्शनरी एस्पेक्ट कहलाते हैं। भगवान के विराट रूप में भी उनका कर्तव्य रहता है। ये सब भागवत में आता है। तो जब भगवान कहते हैं खाता तू है पचाने वाला मैं हूं, तो हम जानबूझकर मुर्गी खाएंगे क्या? और भगवान को कहे आप पचाओ, भगवान पर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, तो भगवान तो एंटी रिएक्शन ही देंगे। कहने का मतलब है जो बुद्धियुक्त जहाती है सुकृत दुष्कृते उपे, बुद्धियुक्त रहना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी कहलाती है, भेद पारखु होती है, मन भेद पारखु नहीं है, बुद्धि भेद पारखु है। भेद क्या है, अभेद क्या है? तो ये बुद्धि का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। सुकृत यानी कि हम ठीक कर रहे हैं या दुष्कृत, दोनों में हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो बुद्धि मनुष्य में पर्याप्त दी है, जो उपयोग नहीं करता है तो पशु। क्या हम पशु हैं?
अरे नर पशु कहलाओगे यदि पशु बनोगे तो, नर पशु, नर पशु भी एक दूसरे का बखान करते हैं, एक दूसरे की बाहवा करते हैं। ऋषभ देव के 100 बच्चे थे और उनको शिक्षा देते कह रहे कि नायम देह देह भाजाम, हम ये देह नहीं, देह के भोगी नहीं है। कष्टान कामान अरहते विड़भुजाने, इंद्रिय तृप्ति का साधन तो ये सुवर कुकर सबको मिलता है आसानी से। मेरे बच्चों तपो दिव्यम, आप दिव्य तप करो जिससे ब्रह्म सुख अनंतम प्राप्त करोगे, नहीं तो सुवर कीचड़ में भी बहुत सुख मिलता है, कीचड़ में जीता है, गंदगी में जीता है। तो अकलमंदी बुद्धि का विषय है, तो अवश्य भेद पारखु रहना चाहिए, क्या मेरे लिए ये हित में है या मेरा अहित करेगा। ठीक, श्रील प्रभुपाद की। देख कहाँ गया, चलो हो हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, परम पूज्य वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज की। तो सर्वप्रथम आप सब मिलके परम पूज्य महाराज को धन्यवाद अर्पण करना चाहेंगे, महाराज ने इतना कष्ट करके हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर प्रवचन दिया। तो जोर से एक बार हरे कृष्णा माम द्वारा महाराज का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से एक है और पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर चलते रहते हैं फ्लाइट में, कभी थाईलैंड, कभी इंडिया, कभी अमेरिका, ऐसे करके पूरे विश्व में जितना महाराज के पास शक्ति है उस शक्ति को पूरा अपने गुरु महाराज के ऊपर गुरु महाराज ने सौंप दिया है। तो ऐसे महान आचार्य हमारे समक्ष है तो हम बहुत भाग्यशाली है, और साथ ही महाराज गुरुदेव के परम शिष्यों में से एक हम राज विद्या प्रभु जी भी साथ में आए हैं, और जहाँ पर भी गुरु महाराज गुरुदेव जाते हैं प्रभु जी भी साथ साथ में जाके महाराज जी की सेवा करते हैं। तो प्रभु जी के लिए भी एक बार जोर से हरे कृष्णा मान द्वारा स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। और आज आप सभी भक्तों के लिए प्रसादम की सेवा किया है, कुकिंग सेवा किया है भक्तों ने, सभी भक्तों ने मिलके आज सभी भक्तों के लिए सुंदर और स्वस्थ प्रसादम बनाया है। तो वो सभी भक्तों के लिए भी जोर से एक बार हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज के सत्संग में आए हुए सभी प्रभु जी और माता जियों के लिए भी जोर से एक बार हरे कृष्ण मामा द्वारा स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और आज के प्रसादम दान दाता ने सभी भक्तों के लिए प्रसादम का सेवा किया है, उनका नाम है पद्म खनाल माता, जहाँ भी है उन्हें भगवान का कृपा मिले, और जो भी भक्तों ने आज का कीर्तन किया है सब उनको जाके मिले, और वो प्रभु जी जिस भी अवस्था में है भगवान का प्रचुर मात्रा में कृपा मिले और अंत में भगवान का धाम चले जाए। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को भी धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। और फ्रूट सेवा किया है सतनाम सिंह गुलाटी प्रभु जी द्वारा और उनकी धर्मपत्नी श्री रानी गुलाटी माता जी द्वारा भी आज
सभी भक्तों के लिए फ्रूट सेवा किया है, आपको प्रसादम के तुरंत बाद फ्रूट दिया जाएगा, तो उनके लिए भी हम एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी उत्सव आ रहा है, अभी अगले महीने जगन्नाथ रथ यात्रा भी आ रहा है, तो आप सब तैयारी होइए जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की, परम पूज्य वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज की, सामवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर ब्रह्मानंद। वो फिर अगले महीने, अगले हफ्ते करेंगे, कंटिन्यू अगले महीने, श्योर है।